फ्रेंड्स जय हिंद। फ्रेंड्स देख लीजिए, ये ई बाइक का जो है एक कंट्रोलर है स्कूटी का, और इसमें जो है समस्या जो आ रही है कि ये मोटर को जाम कर रहा है, बिल्कुल स्कूटी को जाम कर दे रहा है। जैसे ही हम इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि बढ़ नहीं रहा है, तो आइए चेक करते हैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। इसके लिए जो है हम कुछ सप्लाई देंगे, तो हम इसे सप्लाई दे देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये 48 वोल्ट का कंट्रोलर है, तो इसमें 48 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दी, और अब इसको हम चेक करते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा इग्निशन वाला वायर होता है और ये हमारी मोटर की वायर्स होती हैं, तभी हम इसमें सप्लाई ऑन करते हैं। ऑन कर दिया, ये नेगेटिव में हम जो है इसको लगा दें नेगेटिव में, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 52 वोल्ट आ रहा है, सप्लाई हमारा आ रहा है। अभी मोटर जाम कर रहा है, तो हमें सबसे पहले चेक ये करना है कि इन तीन तारों में हमें सप्लाई चेक करना है कि कहीं इनमें किसी में सप्लाई तो नहीं आ रहा है प्लस वोल्ट वाला। यदि प्लस वोल्ट वाला सप्लाई इन तारों में आएगा तो हमारा जो है ये कंट्रोलर मोटर को जाम करता है करेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं, यहाँ पे तो फ्रेंड्स कुछ नहीं है, पीली वाली में भी कुछ नहीं है। ओ ये नीली वाली में देखिए फ्रेंड्स, हमने चेक कर लिया, ये पीला में नहीं है कुछ, हरा में कुछ नहीं है, लेकिन ये नीला वाले में देखिए जितना सप्लाई हम इन कर रहे हैं उतना सप्लाई हमें शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो कंट्रोलर का मॉस्फेट है, ये नीला वाला इसका मॉस्फेट जो है शॉर्ट हो चुका है पूरी तरह से, क्योंकि ये पूरा का पूरा सप्लाई हमें यहाँ से आउट कर रहा है। इस कंडीशन में हमारा स्कूटी जो है वो बिल्कुल जाम कर देगा, मोटर को आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। आइए इसको खोल करके रिपेयर करके आपको दिखाते हैं फिर। तो आइए इसको खोल कर देखते हैं कि आखिर समस्या कहाँ से आ रही है। तो मैं इसे खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने इसको जो है खोल लिया, चलिए इसको चेक करते हैं पहले हम अपने मीटर से। जिसको हमें जो है कंटिन्यूटी मोड में लगाना है, और ये हमारा ग्रीन वाला नहीं ब्लू वाला था, नीला वाला गड़बड़ बता रहा था, तो नीला वाले में हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए ये पॉजिटिव वाली लाइन पे हम इस नेगेटिव को रखेंगे, और फिर ये हमें पूरा शॉर्ट बता रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए नीला वाला पूरा शॉर्ट बता रहा है, और ये इसमें कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है और इसमें भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी ये हमारा शॉर्ट बता रहा है पॉजिटिव वाला हिस्सा। अभी इस नेगेटिव वाला चेक कर लेते हैं। तो फिर नेगेटिव लाइन में हम ये पॉजिटिव वाला प्रॉब्लम रखेंगे मीटर का, और फिर इसको चेक करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस बता रहा है, इसका मतलब कि ये नेगेटिव वाला सही है मॉस्फेट, लेकिन ये जो पॉजिटिव वाला है ये मॉस्फेट हमारा शॉर्ट बता रहा है। तो ये इसको हम निकाल के दूसरा मॉस्फेट लगा करके फिर देखते हैं ये चालू होता है या नहीं होता है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी होता क्या है कि इसका मॉस्फेट तो ख़राब होता ही है, इसके साथ में यहाँ पर प्री एम्पलीफायर जो लगे होते हैं
वो भी ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं रजिस्टर, ये भी ख़राब हो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम इन मॉस्फेट को निकाल लें, फिर देखते हैं कि और कुछ तो नहीं ख़राबी है इसमें। चलिए हम इसको खोल लेते हैं पहले। तो हमने इसको देख खोल लिया इसका हीट सिंक से। अभी हम इसके मॉस्फेट जो है बाहर निकालेंगे, फिर इसको चेक करते हैं कि इसका प्री एम्पलीफायर सही है या नहीं सही है। सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए फ्रेंड्स हमें आयरन जो थोड़ा ज़्यादा वाट का आयरन इसमें चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत मजबूती से लगा होता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मोटा आयरन लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा वाट वाला। तो इसके लिए मेरे पास है 100 वाट का आयरन है, मैं उसी में से इसको निकालूँगा। लोग देखते रहिए, मैं निकाल करके इसको लगा करके फिर चेक कराता हूँ। इसमें अभी जो सप्लाई आ रहा था वो सप्लाई अभी आएगा कि नहीं आएगा, तो ये इसको निकाल करके फिर हम देखते हैं। हमारा आयरन, और अब इसको नीचे से ये ट्वीजर से पकड़ लेंगे और यहाँ से फिर इसे हम हीट करेंगे। इसको हीट करते हैं, ये देखिए कितना आसानी से निकल गया फ्रेंड्स यहाँ पे। इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे, तो ये भी निकल गया हमारा। अभी इनको भी निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो इधर भी, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं पहले। तो हमने ये चारों निकाल लिए हैं इसमें के मॉस्फेट। तो चलिए पहले हम मॉस्फेट चेक करते हैं मॉस्फेट में क्या खराबी है। अभी मॉस्फेट को चेक करने के लिए फ्रेंड्स हम इसे बजर मोड में ही रखेंगे, और इसके ड्रेन वाले सिरे पे जो है, ये बीच वाले सिरे पे जो कि यहाँ से वहाँ अटैच होता है, इस पर हम ये नेगेटिव वाला रखेंगे और इसमें से हम चेक करते हैं। तो ये शॉर्ट बता रहा है फ्रेंड, बिल्कुल ये देख सकते हैं ये शॉर्ट बता रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी शॉर्ट बता रहा है, इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स रेजिस्टेंस बन रहा है कि ये सही है। ये इसमें क्या है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है फ्रेंड्स। केवल एक मॉस्फेट इसका सही है, बाकी तीन मॉस्फेट हमारे ख़राब निकल चुके हैं। खराब कर लूँ, ये अच्छा से दिखने लगे। इन होल को साफ करने के लिए फ्रेंड्स एक आयरन आता है, एयर पंप का काम करता है, जो उस आयरन से आप इसे बड़ी आसानी से होल को साफ कर पाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास आयरन है, इसको ऐसे दबाएंगे, ऐसे करेंगे तो ये निकल जाता है सारा, जितना भी इसका एक्स्ट्रा आयरन था सब निकल जाता है। देखिए यहाँ पे कितना आराम से हमारा होल दिखने लगा, बिल्कुल क्लियर। इसी तरह से हम सभी को साफ कर लेंगे। तभी हमने होल साफ कर लिए, इसको थोड़ा सा हम पेट्रोल से धुल लेते हैं ताकि ये कचड़ा हट जाए इसका।
और इसका कचरा क्लियर हो गया बिल्कुल। इस साइड में देखते हैं, अभी ये कुछ साफ दिखने लगा है। अभी इसका चेक करेंगे हम, जिसको गेट को सप्लाई देता है, रजिस्टर लगे होते हैं, उस रजिस्टर को हम चेक करेंगे। तो इसे भी कंटिन्यूटी में चेक करेंगे हम, तो ये सही बता रहा है, ये सही है। ये भी सही है। अभी ये नेगेटिव वाला सिरा भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये यहाँ से आ रहा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि इधर सही बता रहा है। अभी फ्रेंड्स इसका हम प्री एम्पलीफायर चेक करेंगे, जो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं इनको हमें चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर ख़राब होंगे तो भी ये हमारा कंट्रोलर काम नहीं करेगा। हम इसको जो है चेक कर लेते हैं, इसको भी कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे। तो हमारे केवल मॉस्फेट बस ख़राब हैं, तो हम मॉस्फेट को चेंज कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ पे सही कर लेंगे इसको, ये प्रिंट हमारा जल चुका है, इसमें हम एक जम्पर लगा के फिर इसको सही कर लेंगे। तभी मैं मॉस्फेट इसको लगा लूं फ्रेंड्स, इसको लग तो ये मॉस्फेट हम लगा लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसको सप्लाई दे करके कि क्या बता रहा है, ये अब सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। तो हम इसको लगा करके फिर देख लेते हैं। मॉस्फेट तो लगा दिए फ्रेंड्स, अब इसको जो है सिंक पे टाइट करना भी ज़रूरी है ना, इसको हम इसमें टाइट कर लें, फिर इनकी सोल्डिंग करेंगे। हमने इसे टाइट कर लिया मॉस्फेट को सभी को, अब इसको हम सोल्डिंग करेंगे फ्रेंड्स। सोल्डिंग करके फिर इसको चेक करते हैं, तो इसके जो बढ़े हुए लेग हैं इनको हम कट कर देंगे, कि ये दिक्कत करते हैं जब इसको इसके बॉक्स में हम पैक करेंगे तो कहीं टकराए ना, इसलिए इनको हम छोटा कर लेंगे और अब इनको हम सोल्डिंग कर देते हैं।
ध्यान रखें कि जब भी आयरन लें तो उसमें हाई वाट का आयरन लें, ताकि आसानी से इसमें जो लगा हुआ शोल्डर है उसे हीट कर पाए, क्योंकि इसको मजबूती से सोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लूज होगा तो मॉस्फेट बहुत जल्द ख़राब कर देगा, तो इतना ध्यान रखिए। इसकी सोल्डिंग जब भी करें तो हाई वाट का आयरन लेके ही सोल्डिंग करें, मजबूत सोल्डिंग करें इसकी, कहीं से लूज ना हो। मैं जल्दी से इसको कर लूँ। हमारा शोल्डिंग का काम तो पूरा हो गया फ्रेंड्स। अभी शोल्डिंग करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो इसको जो है हमें पेट्रोल से या थिनर से जो है साफ कर लेना है, क्योंकि ये जो पेस्ट होता है रोजिन इसका, ये रेजिस्टेंस बनाने लगता है, तो इसको साफ ज़रूर करें पेट्रोल से या थिनर से, सफाई अच्छी तरह से कर दें इसकी, ताकि ये शॉर्टिंग ना बताए। तो ये साफ हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है, हमने सब टाइट भी कर दिया है। अभी हम इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो शॉर्टिंग बता रहा था वो अब भी है या ख़त्म हो चुका है, तो चेक करने के लिए वही प्रक्रिया बनाएंगे हम यहाँ पे। इसके लिए हमें ये जो पॉजिटिव वाला लाइन होता है, जिससे हम पॉजिटिव का सप्लाई देते हैं, उधर हम ये मीटर का नेगेटिव वाला रख लेंगे, और फिर ये जो कंट्रोलर का वायर्स जाते हैं इनको पहले अलग अलग कर लेंगे हम, कहीं आपस में टच ना हो तो अच्छे से जानकारी हो पाएगी। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं और फिर हम चेक कराते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस बताने लगा, अभी पहले हमने चेक किया था तो यहाँ पे शॉर्टिंग बता रहा था, अभी ये रेजिस्टेंस बता रहा है, यानी कि हमारा ये मॉस्फेट सही काम कर रहा है। अब यहाँ भी शॉर्टिंग कम रेजिस्टेंस बता रहा था, शॉर्टिंग कर रहा था, तो यहाँ भी सही हो गया है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इधर बताता है वैसे यहाँ भी बताने लगा, ये सही था तो वैसे सेम वो भी बता रहा है। अभी ये फ्रेंड्स बता दूँ, इसमें एक पॉजिटिव तरफ लगते हैं दो मॉस्फेट और दो मॉस्फेट नेगेटिव तरफ, तो ये पॉजिटिव तरफ वाले हमने चेक कर लिए, ये सही बता रहे हैं। अब हम इस नेगेटिव वाले को चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी सही आ रहा रेजिस्टेंस, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, जैसे कि देख सकते हैं ये वाला है, तो यहाँ भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ओके बता रहा है फ्रेंड्स। अभी हमारा ये कंट्रोलर पूरा अच्छा हो गया, मतलब सही हो चुका है बिल्कुल। अभी हम इसको चेक करा देते हैं सप्लाई में लगा करके। तो हम यहाँ पे सप्लाई दे दी पहले, हमने सप्लाई दे दिया, हार मालूम बाहर बैठे।
ये पैर वाली पैर का प्रेशर नहीं है सर। तो इसे हम नेगेटिव में लगा दें, नेगेटिव वाले पार्ट को, और इसे हम डीसी में लगा लेंगे। अभी हम सप्लाई ऑन कर दे, दिखा दें आपको, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है ना 51। ये नीला वाले में हमें सप्लाई शो कर रहा था, तो इस समय सप्लाई नहीं आ रहा, इसमें भी हमें सप्लाई नहीं मिल रहा, इसमें भी हमें सप्लाई नहीं मिला। देख सकते हैं कहीं पर भी अब सप्लाई नहीं है, यानी कि ये हमारा मोटर जो हमने लगाया वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक हो चुका है ये। फ्रेंड्स रखते हैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।